स्टोरी का नाम है द ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स, यानी मेंढकों का समूह। फ्रॉक्स मीन्स क्या होता है? मेंढक। ग्रुप मीन्स समूह, तो मेंढकों का समूह। एज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स, एज अ ग्रुप, जैसा कि एक ग्रुप, ग्रुप में लगा था समूह, एज मीन्स जैसा कि, या जैसे, जैसे मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है जैसे। एज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स वॉज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? जाना। जैसे आप ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ऐसे ये फ्रॉक्स क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। फ्रॉक्स मीन्स मेंढक। एज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है लकड़ी, आपने लकड़ी सुना होगा, लेकिन इसको हम एज ए जंगल भी डिनोट करते हैं। तो एज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स, यानी एक मेंढकों का समूह एक जंगल से गुजर रहा होता है। टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट, टू ऑफ देम यानी टू ऑफ देम, उनमें से दो मेंढक फेल मीन्स क्या होता है? गिर गया। फॉल मीन्स गिरना होता है, फेल का सेकंड फॉर्म है, तो गिर गया, गिर गया। फेल इनटू अ डीप पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, पीट का मतलब होता है गड्ढा, डीप बीट, डीप का मतलब होता है गहरा। तो उनमें से वो जो जा रहे होते, टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पीट, जंगल से जब वो जा रहे होते तो उनमें से दो मेंढक जो होता है वो बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर जाता है। व्हेन, जब, व्हेन द अदर फ्रॉग्स क्राउडेड अराउंड अ पिट एंड सॉ हाउ डीप इट वॉज। अब जैसे वो गड्ढे में गिर गया तो क्या हो गया? व्हेन द अदर फ्रॉग्स, जैसे ही दूसरे, जब दूसरे फ्रॉग्स, दूसरे मेंढक्स क्राउडेड यानी वहाँ इकट्ठा हो गए, वहाँ झुंड बना ले उस गड्ढे के बाहर, क्राउडेड अराउंड द पिट, यानी क्राउड मीन्स क्या होता है? झुंड। जब आप किसी देखें लोगों का बहुत सारा समूह होता है, इकट्ठा हो जाता है, कुछ होता है, तो ऐसे मेंढक गिर गया तो वहाँ बहुत सारे मेंढक इकट्ठा हो गए उस गड्ढे के बाहर, तो उसे हम कहते हैं क्राउड। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं उसके हम कहते हैं क्राउड यानी झुंड, तो इसको बोलेंगे हम झुंड। तो फ्रॉग्स का क्या हो गया? एक झुंड अराउंड द पिट, गड्ढे के आसपास इकट्ठा हो गया। अराउंड मीन्स के आसपास, के आसपास, या आप कहते चारों ओर से। अराउंड द पिट एंड सा मीन्स देखा, देखने का सेकंड फॉर्म होता है सा, सी का सेकंड फॉर्म सा, तो देखा। एंड सा हाउ डीप इट वॉज, हाउ डीप यानी कितना गहरा, कितना गहरा। डीप मीन्स तो हो गया गहरा, लेकिन हाउ डीप मतलब क्या हो गया? कितना गहरा। हाउ डीप इट वॉज, ये कितना गहरा है। क्या हुआ? व्हेन द अदर फ्रॉग्स क्राउडेड अराउंड द पिट एंड सा हाउ डीप इट वॉज, जैसे ही उस गड्ढे के बाहर बहुत सारे मेंढक क्या हुए? इकट्ठा हुए और देखा उन्होंने कि ये गड्ढा कितना गहरा है। दे टोल्ड, उन्होंने कहा, टोल यानी कहा, दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स दैट देयर वॉज नो होप लेफ्ट फ्रॉम फॉर देम। देखो यहाँ क्या गया, समझने वाली, सेंस लगाने वाली बात है यहाँ पे। दे टोल्ड, उन्होंने कहा द टू फ्रॉग्स दैट, उन्होंने दोनों फ्रॉग से कहा, दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स यानी उन्होंने दोनों फ्रॉग से कहा, दोनों मेंढक से कहा, दैट कि देयर वॉज नो होप यानी अब उस गड्ढे से बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं है। होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद, यानी उस गड्ढे से बाहर निकलने का कोई भी अब चांस या कोई भी उम्मीद नहीं है। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बचा, कोई भी उम्मीद नहीं बचा है। फॉर देम, उनके लिए, देम का मतलब क्या है? उनके, यानी उन दोनों मेंढक के लिए अब कोई भी दूसरा चांस नहीं है कि उस गड्ढे से बाहर निकल पाए, क्योंकि गड्ढा क्या है? बहुत ही गहरा है। हाउ एवर, ये हमारा हो गया कंजक्शन, तो इसको हम हाउ एवर कहते हैं, फिर भी, फिर भी। हाउ एवर द टू
फ्रॉग्स डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय करना, तो निर्णय किया, उन्होंने निर्णय किया, तय किया। हाउएवर टू द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू इग्नोर व्हाट द अदर वर सेइंग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझें, द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू इग्नोर इग्नोर का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, अनदेखा किसी बात को, आपको पता है फिजूल की बातें करते आप उसे अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसे क्या है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों मेंढकों ने क्या किया, ऊपर जो मेंढक है जो कह रहे कि अब कोई भी उम्मीद नहीं है इस गड्ढे से बाहर निकलने का, उनकी बातों को इन दोनों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। व्हाट द अदर वर सेइंग, व्हाट यानी क्या है जो दूसरे मेंढक कह रहे हैं, सेइंग का मतलब कह रहा है। एंड दे प्रोसीड टू ट्राई एंड जंप आउट ऑफ द पिट, प्रोसीड का मतलब जारी रखा, जारी रखना, यानी उन्होंने जो है उनकी बातों को इग्नोर करके दे प्रोसीड टू ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई एंड जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना, क्योंकि मेंढक तो कूदते हैं, तो उन्होंने क्या है, कूदने की कोशिश हमेशा करते रहे, किसके लिए, आउट ऑफ द पिट यानी उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, हुए कूदते रहे लगातार। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एट द टॉप ऑफ द पिट वर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप, यानी वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स यानी उनके एफर्ट्स को देखने के बावजूद, यानी उसको देखने के बाद बाहर जो मेंढक है, जो भीड़ है, वो अभी भी क्या कह रहे हैं, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स यानी मेंढकों का समूह एट द टॉप ऑफ द पिट, टॉप का मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर, तो टॉप यानी गड्ढे से ऊपर के जो टॉप पे जो है मेंढक है, जो पिट के ऊपर है, गड्ढे के ऊपर है, स्टिल यानी एट द टॉप ऑफ द पिट वर स्टिल सेइंग, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी यानी अभी भी वो कह रहे हैं कि दैट दे शुड, दैट मतलब कि दे शुड जस्ट गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, हार मानना, यानी उनको अब दिख रहा है कि इस गड्ढे से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम जो है फिजूल का मेहनत करना छोड़ दो और हार मान लो, तुम्हें हार मान लेना चाहिए। दैट दे वुड नेवर मेक इट आउट, यानी कि वे लोग जो है कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, मेक इट आउट, मेक इट आउट मतलब क्या होगा, उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है, आपको किसी कहना कि कभी नहीं, मैं काम कभी नहीं करूंगा, तो क्या होगा, नेवर मतलब कभी नहीं। आगे देखते हैं, इवेंचुअली वन ऑफ द फ्रॉग टुक हीड टू व्हाट द अदर वर सेइंग एंड ही गेव अप। अब इवेंचुअली यानी तुरंत उन्होंने देखा कि ऊपर में जो अदर फ्रॉग्स है, वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी दो फ्रॉग्स में से, दो फ्रॉग जो गड्ढे में गिर चुके हैं उसमें से एक फ्रॉग जो है, वन ऑफ द फ्रॉग टुक हीड टू व्हाट द अदर्स वर सेइंग, यानी उसने जो है अब ऊपर में जो मेंढक जो उसको बार बार कह रहे कि मेहनत करना छोड़ दो, उसने क्या कह रहे, दूसरे मेंढक, उनमें से एक मेंढक ने उनकी बातों पर ध्यान दे दिया और उसने क्या कर लिया, ही गेव अप, और उसने हार मान लिया, उसने, उसको समझ आ गया कि इस गड्ढे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। फॉलिंग डाउन टू हिज डेथ, टू हिज डेथ, और क्या हार मान लिया और खुद को सरेंडर कर दिया, खुद को मतलब क्या सरेंडर कर दिया कि अब जो है उसको मौत का अपना इंतजार है, क्योंकि अब इसके बाद जो है उस गड्ढे से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, तो इसके बाद अब होगा क्या, भूखे प्यासे वहाँ पे मर जाएंगे, तो डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु, यानी मरने का वह अब इंतजार कर रहा है। द अदर फ्रॉग यानी दूसरा फ्रॉग क्या होता है, मेंढक जो होता है, अदर मतलब होता है दूसरा, द अदर फ्रॉग
कंटिन्यूड टू जंप, कंटिन्यूड मतलब जारी रखना, प्रोसीड का मतलब जारी रखना और कंटिन्यूड का मतलब भी जारी रखना। यानी उसने क्या किया, एक तो हार मान लिया लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू जंप, वो कूदने कूदता ही रहा, लगातार कूदता ही रहा, जारी रखा। एज हार्ड एज ही कूड, एज हार्ड एज, जितना हो सके, हार्ड का मतलब कठिन, तो जितना उसके अंदर पोटेंशियल लेवल था उसने अपना जितना अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एज हार्ड एज ही कूड, जितना वो कर सकता था उसने उतना मेहनत उतना कठिन प्रयास किया। अगेन अगेन द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप देम, स्टॉप द पेन एंड जस्ट डाई। अब अभी भी जो है ऊपर के जो डॉग फ्रॉग्स है, अगेन द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप, यानी अभी जो ऊपर के जो फ्रॉग्स हैं वो उसको अभी भी रोक रहे हैं कि तुम भी जो है रुक जाओ और क्या करो, द पेन एंड स्टॉप द पेन, यानी मेहनत करना बंद करो, पेन खुद को पहुंचाना बंद करो, एंड जस्ट डाई, और खुद मतलब सरेंडर कर दो, तुम्हें मरी जाओ। ही जम्प्ड इवन, इवन का मतलब फिर भी ही जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट, और उसने फिर भी जो है उससे जंपिंग करना स्टार्ट रखा, कूदना स्टार्ट रखा उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, और फाइनली यानी अंततः मेड इट आउट, वह क्या हुआ उस गड्ढे से बाहर निकल आया। फाइनली क्या हुआ, ही जंप्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट, जितना कठिन हो सका था उससे उसने कठिनाई उठाई और उस गड्ढे से बाहर निकल आया अंत में। When he got out, जैसे ही वह बाहर आया, जब वो बाहर आ चुका था, got out, the other frogs said, दूसरे फ्रॉग ने कहा, other frogs यानी मेंढकों ने, said में इसका होता है कहा, से का सेकंड फॉर्म होता है said, तो कहा, दूसरे मेंढकों ने कहा, did you not hear us, hear का मतलब क्या था, सुनना, तो क्या डिड यू नॉट हियर अस, अस का मतलब हमें, तो क्या तुमने हमें नहीं सुना या हमारी बातों को नहीं सुना। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, उसको संक्षिप्त में बताया, एक्सप्लेन किया, टू दैम, द फ्रॉग एक्सप्लेन टू दैम दैट ही वॉज डीप, डीप का मतलब क्या होता है, बहरा। अब उसने एक्सप्लेन किया, बताया उन मेंढकों को कि वो क्या है, बहरा है। He thought they were encouraging him to him the entire time. अब देखो यहाँ पर ये लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। He thought, पहला लाइन क्या था, ये he was deep, क्योंकि वो क्या था, बहरा था, तो उनकी बातों को सुन नहीं पाया। He thought, उसने सोचा, thought means क्या होता है, सोचा, उसने सोचा, they were encouraging, encouraging का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन यानी उसको और प्रोत्साहन करना, तो दे वर इनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, यानी पूरे समय में, एंटायर टाइम पूरे समय में, यानी उसको क्या लगा, जो बहरा मेंढक है उसको जब कहा जा रहा था कि तुम हार मान लो, छोड़ दो, जंप करना छोड़ दो, तुम मरने का इंतजार करो, इस गड्ढे से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, जब दूसरे मेंढक ये कह रहे थे, तो वो मेंढक, क्योंकि अब जो गड्ढे में है वो तो बहरा था, तो उसको समझ ही नहीं आया कि ये लोग मुझे क्या कह रहे हैं, और उसे ये लग रहा था कि उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं सारे मेंढक बाहर से कि हाँ तुम बाहर निकल सकते हो, कोशिश करो बाहर आ जाओगे आ जाओगे, और उसने उनकी बातों को उल्टा लिया और फाइनली क्या हुआ, उस गड्ढे से लास्ट में जाकर बाहर निकल गया। अब हम देखते हैं इसके मॉरल ऑफ स्टोरी, यानी इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। People's word can have a big effect. People's word यानी लोगों का जो शब्द है, लोगों की जो बातें हैं, can have a big effect, उनकी बातें जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, on others' lives यानी दूसरे जो भी जीव जंतु है, जो रह रहे हैं,
जो हमारे साथ के हैं, यानी लोगों की जो बातें हैं उसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकता है। थिंक अबाउट व्हाट यू से बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, थिंक अबाउट, पहले सोचो व्हाट यू से, जो आप बोल रहे हो उसके बारे में पहले सोचो, बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। जब आप कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले ही उसके बारे में सोचो कि आप क्या बोलने जा रहे हो। इट माइट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये संभवतः हो सकता है कि आपके बोले हुए शब्द का जो फासला है, डिफरेंस है, डिफरेंस में बीच का जो डिफरेंस है, फासला है, वो क्या हो, लाइफ यानी जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु को, मृत्यु का बीच का वर्ड हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि एक जो मेंढक सुन रहा था, उसने दूसरों की बातों को सुना, तो सुनने से क्या हुआ, क्योंकि लोगों ने उसको गलत प्रोत्साहन किया, उसको डिमोटिवेट किया, तो क्या हुआ, मृत्यु की ओर चला गया। और दूसरे ने जो नहीं सुना वो क्या हो गया, उसको जीवन, नया जीवन मिल गया। इसलिए कहते हैं कि कुछ बोलने से पहले आपको पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है।